What's up people, it's Faisal Pathan and welcome back to my YouTube channel FJV Vlogs. So basically ये वीडियो होने वाला है 1 year ownership review of my Bajaj Pulsar NS200. इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने थंबनेल में भी डाला है एंड एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शुड यू बाई NS200, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए आगे जाके। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने NS200 के बारे में दो व्लॉग्स बनाए। एक 29 मार्च को बनाया था जो बेसिकली था हैप्पी बर्थडे फ्राइडे 1 year ऑफ माई बजाज पल्सर NS200। उसमें मैंने कवर किया था वाई आई चूज NS200 एंड मेरे बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में। एंड सेकेंड वीडियो जो मैंने 4-5 दिन पहले मैंने डाला था जो कि था स्पेसिफिकेशंस NS200 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स। अगर ये दो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एट द एंड वीडियो के एंड में आउटरोस में ये दो वीडियो डाल दूंगा एंड आप वहाँ पे जाके ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से। इवन दो मैंने स्पेसिफिकेशन वीडियो बनाया हुआ है फिर भी स्क्रीन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट बाइक के बारे में वो स्क्रीन में रख दूंगा, आप देख लीजिए। सो गाइस, बात करते हैं सर्विसिंग के बारे में। जब आप बाइक खरीदोगे नया बाइक आपको 3 free सर्विसिंग मिलता है, उसके बाद आप लोगों को पेड सर्विसिंग होता है। आउट ऑफ 3 free सर्विसिंग मेरा 2 free सर्विसिंग कंप्लीट हो गया है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने बताया है कि मेरा फर्स्ट सर्विसिंग एंड सेकेंड सर्विसिंग में मुझे कितना सर्विस कॉस्ट लगा, सो आप वहाँ पे जाके वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अभी माइलेज के बारे में। जैसे कंपनी ने क्लेम किया है आपको बजाज पल्सर NS200 में 30-35 KMPL आपको माइलेज मिलेगा, बट मुझे अभी तक 35 से ज़्यादा ही मिला है माइलेज। जैसे कि मुझे 36-37 मुझे माइलेज अभी तक मिला है। इवन दो मैंने माइलेज वीडियो नहीं बनाया है, एज एन ऑनर आप जब तेल भरवाने जाते हो, आप तेल भरवाते हो 100 का 200 500, आप जब बाइक चलाते हो आपको एक एस्टिमेट पता रहता है कि आपका बाइक आपको कितना माइलेज दे रही है। सो गाइस, मुझे अभी तक 36-37 माइलेज मिला है। सो गाइस, आफ्टर लॉकडाउन में NS200 का माइलेज वीडियो भी बनाऊंगा। सो गाइस, अभी बात करते हैं टॉप स्पीड के बारे में। मैंने पर्सनली मेरे बाइक में NS200 में मैंने टॉप स्पीड क्लेम किया है 121 KMPH वाइल राइडिंग टूवर्ड्स नेपाल। गाइस, जो वीडियो आपने अभी देखा है वो नेपाल जाते वक्त हाईवे में ये स्पीड मैंने क्लेम किया था जो कि था 121। बट गाइस, बट मेरे बाइक में जो मेरा दोस्त भी बोल सकते हैं आप, मेरा भाई भी बोल सकते हैं जिसका नाम है पंकज, उसने मेरे बाइक में NS200 में स्टॉप स्पीड अचीव किया था 131 KMPH। सो गाइस, जिसको हम ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं, जैसे कि मेरे बाइक में मेरा ही रिकॉर्ड होना चाहिए वैसा ही टाइप का। सो आफ्टर लॉकडाउन मैं ये 131 वाला रिकॉर्ड ब्रेक करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड पंकज डोंट माइंड ब्रो। सो गाइस, अभी बात करते हैं क्या क्या मैंने चेंजेस किया है मेरे बाइक में और मुझे क्या कितना कॉस्ट लगा। बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं मेरे बाइक में, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था जैसे कि मेरे हैंड गार्ड्स एंड विंडशील्ड वगैरह लगाया था। हैंड गार्ड्स का मुझे चार्ज लगा 950 रुपीज़, KTM का हैंड गार्ड्स था एंड विंडशील्ड का मुझे लगा 350 जो कि था यामा FZ25 का। एंड गाइस, और एक चीज़ मैंने चेंज किया था वो था फुट ब्रेक। क्यों? जब मैं बाइक निकल रहा था वो राइट साइड में वो गिर गया तो मेरा फुट ब्रेक टेढ़ा हो गया था। सो वो फुट ब्रेक को सीधा करने के लिए मैंने खींचा था, जब मैंने खींचा तब वो टूट के मेरे हाथ में आ गया, वो जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। सो उसके अगले दिन मैं गया दुकान में, मैंने वो फुट ब्रेक खरीदा जो मुझे पड़ा 450 एंड लेबर चार्ज लगा मुझे 50 रुपीज़, सो टोटल 500 का चूना लगा जैसे आप बोल सकते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया NS200 में। बेसिकली मैंने ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी तक 5000+ ही किलोमीटर राइड किया है, पर कुछ
जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला है सीट। जैसे कि आप लोगों को पता है NS 200 का सीट बहुत ही हार्ड है। जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो आपका ऑफ कोर्स आपका पिछवाड़ा सुन पड़ जाएगा, वो ऑफ कोर्स वो होगा ही होगा। बट आप नॉर्मली जब 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर जैसे राइड करोगे आपको कुछ फील नहीं होगा। सो आप उसके ऊपर NS 200 के सीट के ऊपर कुशन वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आप आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना प्रॉब्लम दे रहा है बाइक का सीट। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता मेरा NS में ये है कि बाकी NS में भी वैसा ही जा रहा है कि मेरा बाइक बहुत ही जल्दी हीट हो रहा है। मतलब ट्रैफिक में जब मैं राइड करता हूँ बहुत ही जल्दी मेरा बाइक हीट हो जाता है एंड उसका फैन जो होता है वो ऑन हो जाता है। वो सभी बाइक में ही होता है, ये नहीं कि खाली NS में होगा। बट मेरा बाइक कुछ जल्दी ही ज़्यादा हीट हो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि आप जब उस बाइक को ऑन ही छोड़ दोगे 5-10 सेकंड के लिए वो जल्दी ही कूल डाउन भी हो जाता है। सो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइब्रेशन। जब आप बाइक राइड करोगे तो आपको स्लाइटली वाइब्रेशन फील होगा, बहुत ही नहीं स्लाइटली फील होगा हैंडल्स में और जो NS 200 के हेड में है वहाँ पे आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा। सो गाइस अभी बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। जब आप बाइक की परफॉर्मेंस देखते हो तो क्या देखते हो? पावर, पिकअप और माइलेज। सो NS 200 ऑलराउंडर बाइक जिसे आप बोल सकते हो, छोटा बम बड़ा धमाका जिसे आप बोलते हो, NS 200 वही बाइक वही बम है। पावर, बात करते हैं पावर के बारे में। जैसे कि NS 200 135 आराम से चला जाता है बाइक, वो स्पीड आप अचीव कर जाओगे 135-136। किसी किसी वीडियो में मैंने देखा है कोई कोई लोग 155 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो बात होगी पावर की। सेकंड बात करते हैं पिकअप की। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था NS 200 टेक्स 10 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम 0 to 100। पिकअप भी बहुत ही सही है NS 200 का एंड माइलेज तो आपको आराम से 30-35 या 35 से ऊपर भी आपको मिल जाता है। सो गाइस जो भी मैंने अभी आप लोगों को रिव्यू बताया है NS 200 के बारे में वो ऑनेस्ट है, बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन। सो गाइस अभी बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, शुड यू बाय NS 200? क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए आगे जाके? अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो आपको डेफिनेटली ये बाइक में जाना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में आपको पावर भी, पावर पिकअप माइलेज भी अच्छा मिल रहा है एज कम्पेयर टू ड्यूक एंड RC। सो गाइस अभी BS6 मॉडल भी आ गया है NS 200 का, विच इज़ मोर पावरफुल देन द BS4 मॉडल। सो गाइस दिस इज इट। इफ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय, आई सी यू गाइस माई नेक्स्ट वीडियो। पीस। But that's all right. Hush.